नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं एक भक्तिमय ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज शनिवार का दिन है दोस्तों, और मैं, मेरे साथ में मेरा छोटा भाई गोविंद और मेरा भतीजा प्रद्युम्न, आज हम तीनों लोग जा रहे हैं अपने गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर माँ भद्रकाली के मंदिर में। चलिए, तो आज के इस ब्लॉग में मैं माँ भद्रकाली मंदिर के रास्ते से लेकर मंदिर के चारों तरफ के परिदृश्य को आज के इस ब्लॉग में कवर करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग। अभी हम लोग आ चुके हैं चौरी सुरेरी मार्ग पर। अब यहाँ पे देखिए, एक गांव के उत्तर दिशा में, गांव के आखिरी छोर में यह भगवान शंकर का बहुत ही भव्य मंदिर है। हम लोग गांधी घाट पुल के पास पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यह वरुणा नदी है, वरुणा नदी पे यह पुल बनाया गया है। चुके हैं सुरेरी बाजार। इधर से देखिए, लेफ्ट लिए तो सुरेरी बाजार, लेकिन हमको जाना है आगे कोचारी की तरफ। कोचारी वाले रोड पे चलना है। इसे राइट घुमाओ। अब यहाँ से हम ले हैं कोचारी मार्ग। अब हम लोग आ चुके हैं यह वसुई नदी पे बने हुए पुल के पास, और इस पुल से आगे अभी हम लोग आगे का रास्ता तय करेंगे और माँ भद्रकाली के मंदिर तक पहुँचेंगे। तो यह देख सकते हैं, यह बसुई नदी के ऊपर बना हुआ ब्रिज है दोस्तों। अब इस मार्ग से आप लोगों को यहीं से दाहिने मुड़ना है। यह कच्चा रोड है, यहीं पे काफ़ी कंफ्यूजन होता है लोगों को और लोग काफ़ी आगे चले जाते हैं, इसलिए मैं आज के इस ब्लॉग में यह रास्ते को भी दिखा रहा हूँ। ये जो ट्रैक्टर आ रहा है इस रास्ते से, यहीं से आप लोगों को दाहिने हाथ की तरफ मुड़ना है। इस मोड़ को ध्यान रखने के लिए आप लोगों को ये हाई टेंशन खंभे दिख रहे हैं, हाई टेंशन वायर के, इसको ध्यान रखना है। इससे करीब 100-150 मीटर पहले ही यह दाहिने हाथ की तरफ कच्चा रास्ता मुड़ता है, इसी रास्ते से हमको मुड़ना है। कच्चा रास्ता है तो बारिश के समय में काफ़ी परेशानी होगी यहाँ पे आने में। फोर व्हीलर से अगर आ रहे हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा रोड पर गड्ढे काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, अभी हम लोग मंदिर के पास में पहुंच चुके हैं और मंदिर के प्रवेश द्वार के बाहर यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पे पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, पे एंड पार्क आप कर सकते हैं अपनी गाड़ियों को। फाइनली हम लोग मंदिर के बाहर पहुंच चुके हैं प्रवेश द्वार पर। यहाँ पे हम लोग पार्किंग में हैं अभी। यहाँ पे अपने टू व्हीलर को पार्किंग में खड़ा किया, अब आगे चलते हैं मंदिर में। तो हम लोग अभी मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पे भीड़ है। आज शनिवार का दिन है और हर शनिवार को यहाँ पे एक मेले का माहौल रहता है। काफ़ी दर्शनार्थी, काफ़ी दूर दूर से दर्शनार्थी यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, और यहाँ पे माला, फूल, नाश्ता, खाने पीने के लिए बहुत सारी व्यवस्था है। और कुछ लोग घूमने आते हैं, कुछ लोग माँ का दर्शन करने आते हैं, मेला देखने के बहाने भी लोग आते हैं। तो हर शनिवार को इसी तरह का यहाँ पे भीड़ देखने को मिलता है। यहीं से हम लोग माला फूल लेंगे और माँ का दर्शन करेंगे, उसके बाद बाकी का भी दृश्य मैं आप लोगों को अपने कैमरे के माध्यम से दिखाते रहूँगा। माला फूल ले लिया है भतीजे ने और भाई ने, तो अब हम लोग माँ का दर्शन करने के लिए मंदिर की तरफ चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ प्रसाद के लिए मिठाई, लड्डू भी मिलता है। यह है मंदिर परिसर में जाने का प्रवेश द्वार। यहीं से हम लोग इसी रास्ते से होकर मंदिर पर जाएंगे। यह है माँ भद्रकाली का भव्य मंदिर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी है, और सारे श्रद्धालु मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पे पंक्तिबद्ध होकर प्रसाद और माला फूल चढ़ाया जाता है। तो अब मैं माँ भद्रकाली की प्रतिमा के करीब चल रहा हूँ और कैमरे के माध्यम से आप लोगों को माँ भद्रकाली की प्रतिमा के दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं माँ भद्रकाली की भव्य प्रतिमा। माँ भद्रकाली का यह पावन मंदिर वसुई नदी के किनारे वाराणसी जिले के सरावा गांव में स्थित है। यहाँ पे देखिए, मंदिर के पास में पंडित जी लोग भी बैठे रहते हैं, इनसे लोग टीका, चंदन सब लगाते हैं।
इधर आप देख सकते हैं धर्मशाला है, यहाँ पे लोग खाना बनाते हैं, माँ को हलवा पूड़ी ये सब प्रसाद बनाते हैं और चढ़ाते हैं। यह पीपल का वृक्ष है। देखिए मंदिर के नीचे का यह दृश्य। यहाँ पे देखिए नारियल फोड़ने के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है, जहाँ पे लोग नारियल फोड़ते हैं। चलो बेटा, अब हम लोग मंदिर के नीचे चल रहे हैं और नीचे का दृश्य देखते हैं। मंदिर परिसर में ही हैंडपंप की भी व्यवस्था है, यहाँ से लोग स्वच्छ और ताजे जल को ले सकते हैं। यह पीपल का वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे आप देख सकते हैं कि माला फूल और नारियल चुनरी ये सब बेच रहे हैं। इस मंदिर के वजह से यहाँ पे गांव वाले लोगों को काफ़ी रोज़गार का भी अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत से आसपास के लोग अपनी दुकानें यहाँ पे मंदिर में लगाते हैं हर शनिवार को, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ होती है और उसकी वजह से इन लोगों को एक छोटा सा रोज़गार भी मिल गया है। और जो आसपास के दुकानदार हैं वह सभी लोग हर शनिवार को यहाँ पे आकर इस मेला में अपने दुकान को लगाते हैं। काफ़ी दूर दूर के गाँव से लोग आते हैं और कोई ना कोई जान पहचान का इस मंदिर में ज़रूर शनिवार को मिल ही जाता है। तो देखिए अभी ताज़ा उदाहरण कि मेरे भाई गोविंद के सारे फ्रेंड्स भी यहाँ पर मिल चुके हैं। ये मंदिर के तरफ दक्षिणी द्वार है, एक छोटा सा द्वार बनाया है, इधर से आप नदी के किनारे जा सकते हैं, नदी देख सकते हैं। यह वसुई नदी है, यह मंदिर के दक्षिणी दिशा की तरफ है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जो हाई टेंशन वायर का खंभा है वहीं पे एक किला भी है। माँ का दर्शन करने के बाद लोग उस किले के पास भी जाते हैं। देखिए नदी के किनारे माँ का मंदिर एक और भी माँ के मंदिर को भव्यता दे रहा है। देखिए राजेश भाई हमारे गांव के हैं और क्या क्या लगाए हुए अपने ठेले पे, क्या राजेश भाई हर शनिवार को आते हैं क्या यहाँ पे? हर शनिवार? बहुत बढ़िया, तो यहाँ से काफी अच्छी कमाई हो जाती होगी आपको हर शनिवार? अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजेश जी से बात हुई हमारी। मंदिर के पूर्व दिशा में यह एक छोटा सा गार्डन बनाया गया है और यहाँ पे कुछ प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। यहाँ पर बच्चे खेल भी सकते हैं और आप भी अपना थोड़ा बहुत समय यहीं पर बिता सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस व्लॉग में मैंने माँ भद्रकाली के परिसर का काफ़ी अच्छा दृश्य आप लोगों के सामने दिखाया। मैंने पूरी कोशिश की व्लॉग को अच्छे तरीके से पूरा परिदृश्य कवर करने का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का यह व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।